अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर ऑफ 1812 टू 1814, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में एक जंग लड़ी गई थी। क्यों लड़ी गई थी, पहले हम कॉजेस की तरफ देखेंगे और उसके बाद हम सिग्निफिकेंस की तरफ जाएंगे। जितनी भी वॉर्स लड़ी गई है अमेरिकन हिस्ट्री में, कब यूएस हिस्ट्री में, कभी भी सवाल आपका ये नहीं आता कि कॉन्टेंट बताओ वॉर का, फलानी बैटल का क्या हुआ, फलानी बैटल का क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। दे विल ऑलवेज फोकस मोर ऑन द कॉजेस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर और अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे जानने की बात ये कि जेम्स मैडिसन टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट 1809 में, ठीक हो गया, जेफरसन के बाद। अच्छा जी, अब टेंशन क्या थी, अब जरा सिनेरियो इमेजिन करें कि मतलब नेपोलियन वॉर्स के बाद क्या हो रही है। अब नेपोलियन, अब जो फ्रांस और इंग्लैंड की अपनी जंग चल रही है, ठीक है, अब उनके बीच में कोल्ड वॉर कंप्लीटली चल रही है। नेपोलियन ने क्या किया कि उसने ही इशूड अ डिक्री That forbade any American country to import British goods, ठीक है, कि कोई भी यूरोपियन जो कंट्री है वो ब्रिटिश गुड्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकता। अब ये बहुत बड़ा धचका था ब्रिटिश के लिए कि इस तरह की डिग्री इशू हो गई, और अगर फ्रांस ने नहीं खुलम खुला ये कह दिया तो जितने भी कंट्रीज हैं अब वो ट्रेड करेंगे अमेरिका के साथ, तो दे हैड अ ह्यूज इशू विद दिस, बिकॉज देन अमेरिका वुड बिकम द ह्यूज ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो ब्रिटिश ने फिर एक ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 का रिलीज किया, दैट फॉरबेड न्यूट्रल शिप्स टू ट्रेड विद यूरोप। कोई भी न्यूट्रल शिप, विच वॉज बेसिकली अमेरिकन शिप, ट्रेड नहीं कर सकता यूरोप के साथ अंटिल एंड अनलेस दे स्टॉप एट ब्रिटिश पोर्ट फर्स्ट। और जब अमेरिका ने ये नहीं किया तो उन्होंने कोई 200 के करीब अमेरिकन शिप्स को आराम से सीज कर लिया। ठीक है, तो अगेन ये टेंशन इंक्रीज हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटेन। अच्छा जी, फिर आई एक फ्लॉड इकोनॉमिक कोर्जन पॉलिसी। अब ये क्या था कि जी थॉमस जेफरसन बैठे जेम्स मैडिसन के साथ, उन्होंने एक ड्राफ्ट की विच वाज एन इकोनॉमिक कोर्जन पॉलिसी, जो कि काफी फ्लॉड थी। वो क्यों थी, उन्होंने कहा कि भाई दे इशूड अ प्रोक्लेमेशन, एक एक्ट पास किया गया, एम्बार्गो एक्ट ऑफ 1807, जिसने प्रिवेंट किया यूएस के ट्रेड को विद ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया यूएस को। क्यों ये लॉन्च किया गया था एक्ट, क्योंकि उनको उस टाइम पे प्रेसिडेंट को लगा कि अगर हम ये करते हैं, थॉमस जेफरसन को लगा, तो ये अब द एंटायर यूरोप विल फाइनली कम टू इट्स सेंसेस एंड दे विल फाइनली रियलाइज अमेरिकाज न्यूट्रलिटी इन द एंटायर प्रोसेस। अब ये बहुत बड़ी गलती थी, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर ट्रेड, तो दिस हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका ओनली। तो अमेरिका की जो ट्रेड थी वो 108 मिलियन डॉलर्स से नीचे गई, 22 मिलियन डॉलर्स ड्रास्टिकली एक साल के अंदर। शिफर्स आपके बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। अल्टीमेटली वो जो आपका एक्ट था वो रिपील हो गया, दिस एम्बार्गो एक्ट वाज रिपील्ड बाय द नॉन, इसकी जगह एक नॉन इंटरकोर्स एक्ट आया 1809 में। ठीक है, 1809 में नॉन इंटरकोर्स एक्ट आ गया, जिसने कहा कि चलो अमेरिका यूरोप के साथ ट्रेड कर सकता है लेकिन सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस के साथ ही ट्रेड नहीं करेगा। तो उन्होंने ये एक्सेप्शन कर दिया था कि बिल्कुल यूरोप भूखा, अमेरिका बिल्कुल भूखा ही ना मर जाए। ठीक है, अब ये जो था ये भी एक्ट, नॉन इंटरकोर्स एक्ट भी वापस रिपील कर दिया गया और मेकन्स बिल आया। अच्छा, ये मेकन्स बिल लिखा हुआ है, अगेन प्लीज एक्सक्यूज माई राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू बी एलिजिबल हियर। अच्छा, मेकन्स बिल आ गया, जिसने कहा कि आप ब्रिटेन और फ्रांस के साथ वापस ट्रेड रिज्यूम कर सकते हैं अमेरिका, इफ एंड ओनली इफ दे रिकॉग्नाइज अमेरिकन न्यूट्रलिटी। तो नेपोलियन तो फटाफट अपनी डिग्री पीछे कर रही, उन्होंने कहा ठीक है वी रिकॉग्नाइज न्यूट्रलिटी। इंग्लैंड ने नहीं किया, इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम नहीं, वी स्टिल हैव आवर ऑर्डर्स इन काउंसिल इंटैक्ट एंड वी स्टिल बिलीव दैट कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब उस टाइम पे आपके पार्लियामेंट के, आपकी क्या कहते हैं, कांग्रेस के अंदर आपके वॉर हॉक्स आ चुके थे। ठीक है, वॉर हॉक्स दो ऐसे लोगों को कहते थे हु वर वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग अ वॉर विद इंग्लैंड। तो वो बहुत पुश करते थे कि इंग्लैंड जो है वो कॉलोनाइज कर लेगा उन पार्ट्स को अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जहां पे अमेरिका पहुंचा भी नहीं है, सो वी नीड टू यू नो समहाउ बी एट वॉर विद इंग्लैंड। उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, हेनरी क्ले ऑफ केंटकी एंड जॉन कैलहाम ऑफ साउथ कैरोलिना। ठीक है, अब जी, अब 1812 में हुआ ये था कि ऑर्डर्स इन काउंसिल तो रिपील कर दिया था इंग्लैंड ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी अमेरिका की साइड से वॉर, सो दे वर बेसिकली एट वॉर विद द ब्रिटिश। वॉर का थोड़ा समय गुजरता है बिफोर कमिंग टू द वॉर रिजल्ट्स। वॉर जो थी लैंड के ऊपर ब्रिटेन ज्यादा जीता था वॉर, लेकिन नेवी जो थी वो अमेरिका के ज्यादा स्ट्रांग निकल आई। अमेरिका
better when it came to, they put up better resistance when it came to naval powers. ठीक है, British ने capture किया Washington DC and they put the White House on fire. तो James Madison who was the president, वो literally वो भाग गया, शहर से छोड़ के भाग गया वो. ठीक है, उसके बाद treaty of Ghent साइन हुई 1814 में, जिसके अंदर डिसाइड हुआ कि जितना भी पोर्शन ऑफ लैंड बिफोर द वॉर था उतना ही रिस्टोर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन को रिस्पेक्टिवली. अब ये इस वॉर का बिल्कुल कोई फायदा नहीं था, इट हैड नो सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू रीचिंग आउट टू ईच अदर्स एरियाज और कॉलोनाइजिंग ईच अदर्स और टेकिंग ओवर ईच अदर्स एरियाज, बिकॉज एग्जैक्टली आपको वही लैंड मिल रही थी. तो सिर्फ लॉस ऑफ लाइव्स और लॉस ऑफ रिसोर्सेज आपका हुआ था इस वॉर के अंदर. वॉर रिजल्ट्स की बात करें तो यूएसए पहली बार एक सुपर पावर इमर्ज हुई थी. ठीक है, क्योंकि यूएसए जो था, किसी ने यूएसए को सीरियसली लिया था टिल दे वन, बिकॉज इंडिपेंडेंस तो था कि भाई चलो इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, इंडिपेंडेंस जो थी वो जीत ली उन्होंने अपनी, लेकिन नोबडी थॉट दैट ब्रिटेन इटसेल्फ व्हेन इट एज अ कंट्री दे एज अ कंप्लीट कंट्री व्हेन दे विल फाइट द अमेरिकंस दे लूज. तो ये बहुत अच्छा हुआ था कि दे वन, दे ब्रोक दिस इमेज दैट ब्रिटेन हैड. फिर एक यूनिटी शो की गई थी अमेरिकन से, विच वाज सीन टू बी वेरी पॉजिटिव. फिर अगेन जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि ब्रिटिश की जो मोनोपोली थी ओवर सी एंड ओवर द नेवल फोर्सेस वो बहुत ब्रेक हो गई थी, बिकॉज अमेरिका इमर्ज्ड एज द ग्रेट नेवल पावर. और अगेन इट पोर्ट्रेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने जी एक जंग जिताई है तो बड़ी बात है इस तरह से. ठीक हो गया, अगला जो हमारा टॉपिक है मॉनरो डॉक्ट्रिन है, जो कि 1823 के अंदर आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेम्स मॉनरो हु वाज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 1817 टू 1825. ठीक है, थोड़ा सा आपने ऑर्डर भी याद रखना प्रेसिडेंट्स का, इन केस यू फॉरगेट अबाउट कि जी कौन सा पहले आया कौन सा नहीं आया. ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर अ लिटिल बिट अबाउट, ये ना हो कि आप कहें कि भी थॉमस जेफरसन तो बिल्कुल अभी गुजरा है, ऐसे नहीं करना. ठीक है, तो थोड़ा सा याद होना चाहिए, नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट ऑर्डर बट यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर एमसीक्यू पर्पसेस. अच्छा जी, अमेरिका का फिफ्थ प्रेसिडेंट था वो और मॉनरो डॉक्ट्रिन उसके टाइम के ऊपर आई थी. अब क्या ऐसे रीजन थे जो मॉनरो डॉक्ट्रिन की तरफ लीड कर रहे थे? सबसे पहला था फ्लोरिडा क्वेश्चन. फ्लोरिडा वॉज बेसिकली उस टाइम पे स्पेन और अमेरिका दोनों के कंट्रोल में था, लेकिन फ्लोरिडा के अंदर बहुत ज्यादा रनअवे कॉन्वेक्ट्स और बहुत ज्यादा डिकेज वगैरह थे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब थी. सो हुआ ये था कि प्रेसिडेंट ने भेजा आपको, आपकी फोर्सेस भेजी टू फ्लोरिडा ताकि आप सप्रेस कर सको लोगों को और आप देख सको, आप फ्लोरिडा का लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर सको. सो एंड्रू जैक्सन वॉज बेसिकली सेंट. जैक्सन वन हैनी ओवरथ्रू द स्पेनिश गवर्नर, टू विच द स्पेनिश रिटेलिएटेड कि भाई ये क्या है, यू कांट टेक ओवर आवर लैंड, एंड स्पेन वॉज रिस्टोर्ड इट्स टेरिटरी. ठीक है, फिर आई एडम्स ऑनेस्ट ट्रीटी ऑफ 1819. तो जी 1819 में ये हो रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उस पॉइंट पे वो था, उसका नाम था जे क्यू एडम्स ने बोला. अब जॉन एडम्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी अब आप इफ यू कांट रूल और इफ यू कांट टेक ओवर और फिक्स द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ फ्लोरिडा, देन यू शुड जस्ट गिव इट और टू द अमेरिकन्स. तो इवेंचुअली फ्लोरिडा जो था वो दे दिया गया इन द एडम्स ऑनेस्ट ट्रीटी ऑफ 1819 और इसकी जगह अमेरिका ने $5 million दिए स्पेन को फॉर एनी कंसेशंस जो कि ग्रांट किए गए थे टूवर्ड्स वन एंड अदर. ठीक है, या एनी डैमेजेस क्लेम वगैरह में $5 million दे दिए गए थे. अच्छा जी, स्पेन ने रेटिफाई कर दी एडम्स ऑनेस्ट ट्रीटी इन 1821. ठीक है, ये माहौल था. तीसरा जो था वो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिकग्निशन ऑफ न्यू रिपब्लिक्स. अब स्पेन की जितनी भी लैटिन अमेरिकन अमेरिका में जितनी भी लैटिन अमेरिकन रिपब्लिक्स थी ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दे वर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस. ठीक है, और 1821 में जी कहा गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कि वी शुड रिकग्नाइज द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बिकॉज हमारा तो ट्रेड होगा उसके साथ, सो वी शुड रिकग्नाइज देम. और इवेंचुअली उनको रिकग्नाइज भी कर लिया गया अमेरिका से. तो स्पेन को उस बात की भी बड़ा गुस्सा था कि भाई ये क्यों मतलब रिकग्नाइज किया. अच्छा, उसके बाद स्पेन ने कोशिश की टू रिस्टोर द स्पेनिश कॉलोनीज. ठीक है, स्पेन लुक्ड एट ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड फ्रांस ताकि आप लैटिन अमेरिका का कंट्रोल जो है वो रीगेन कर लो. ब्रिटेन ने रिकग्नाइज किया अमेरिका के साथ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को और अमेरिका के पास हो गया और उसको बोला कि जी आप हमारी एक ज्वाइंट पॉलिसी होनी चाहिए टू चेक कि ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं आर दे गोइंग टू टेक ओवर द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और नॉट. ठीक हो गया, अमेरिका जस्ट ब्लेटेंटली रिफ्यूज बिकॉज अमेरिका नहीं चाह रहा था कि कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट उसकी हो ब्रिटिश के साथ, बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा ट्रेड इंटरेस्ट थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ और उन यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी. सो ही अमेरिका जस्ट रिफ्यूज. ठीक है, फिर आ जाता है एक रशिया, रशियन सार जो था, ठीक है, द रूलर ऑफ रशिया एट दैट टाइम, उसने आके बोला कि जी अगर ये आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि जी यहाँ पे आपका बाकी एशिया आ गया, कि एवरीथिंग नॉर्थ ऑफ 51st पैरेलल लाइन,
नॉर्थ ऑफ एवरीथिंग, नॉर्थ ऑफ 51st पैरेलल लाइन जो था वो इट वुड बी आउट ऑफ बाउंड फॉर नॉन रशियंस. अब 51st पैरेलल लाइन पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, उसमें काफी ज्यादा अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आते हैं. विथ टू विच अमेरिका सेड नो एंड दे लॉन्च द मोनरो डॉक्ट्रिन. ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन में तीन बातें की थी कि कोई भी फर्दर कॉलोनाइजेशन नहीं होगी. नंबर वन, नॉन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसके बाद अब कॉलोनाइजेशन नहीं होगी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की. सेकेंड, इन्होंने बोला कि जो एक्सटेंशन है यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम का जिसमें मोनार्की आ जाते हैं वो एक्सटेंड अमेरिका पे नहीं करेगा. अमेरिका विल हैव इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नॉन इंटरवेंशन बाय यूएसए. और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि यूएसए किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी भी यूरोपियन कॉलोनी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट आती है तो उसको रिकग्नाइज करेगा. ठीक है, ये तीन चीजें थी मोनरो डॉक्ट्रिन में 1823 में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. सिग्निफिकेंस के डॉक्ट्रिन की थी कि जी सेल्फ डिफेंस, अमेरिका वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, फ्रॉम द चेंजिंग प्रॉब्लम्स दैट इट वाज फेसिंग फ्रॉम यूरोप एंड रशिया. अमेरिकन नेशनलिज्म अगेन एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी थी आफ्टर द 1812 वॉर, तो अमेरिकन नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था उस पॉइंट पे. अमेरिका के बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के साथ, तो इस डॉक्ट्रिन को साइन करने के बाद बहुत आसानी ये भी हुई कि आराम से अमेरिका ट्रेड कर सकता था विद ऑल द अदर कंट्रीज. और लिटिल एप्लीकेशन डॉक्ट्रिन की ये थी कि जी बहुत बाद में जाके वुड्रो विल्सन ने भी इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था एंड इट केप्ट अमेरिका आउट ऑफ यूरोपियन वॉर्स, द फ्यूचर यूरोपियन वॉर्स एज वेल. फिर आ जाते हैं आपका नेशन का सेवंथ प्रेसिडेंट विच इज एंड्रयू जैक्सन. ही वॉज देयर फ्रॉम 1829 टू 1837. ठीक हो गया. अच्छा, 1824 के इलेक्शन में वोट्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे एंड्रयू जैक्सन के और जेक्यू जॉन क्विंसी एडम्स के. ठीक है, तो फिर ये वोटिंग जो चली गई, जो आपका जो इलेक्शन चला गया वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे चला गया एंड 13 आउट ऑफ 21 स्टेट्स वोटेड फॉर जेक्यू एडम्स, व्हिच इज व्हाई ही वाज सिलेक्टेड इन द इलेक्शन ऑफ 1824. 1828 के इलेक्शन में ही गॉट मोर देन 70% ऑफ द वोट्स एंड एंड्रयू जैक्सन वाज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. ठीक हो गया. अब थोड़ा सा हाँ, काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा नोट्स आ जाते हैं इस तरह जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के ऊपर. ठीक है, और अगर कंपेयर भी किया जाए जैक्सोनियन और जेफरसोनियन डेमोक्रेसी को तो यू शुड हैव इनफ पॉइंट्स जिसपे आप सवाल का जवाब दे सको. सेलियंट फीचर्स क्या थे कि ही वॉज अपोज टू द प्रिविलेज क्लास. प्रिविलेज क्लास से बहुत प्रॉब्लम था एंड्रयू जैक्सन का बिकॉज ही वॉज अ वेरी ही वॉज अ कॉमनर. ठीक है, वो टेनेसी से था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन मतलब वेस्ट ऑफ एपलाचिन माउंटेन से सिलेक्ट भी हुआ था, प्रेसिडेंट भी बना था, तो ही वॉज अपोज टू दैट. उसने 10% जो सीट्स है वो खाली करवा दी और उसने नॉर्मल क्लास को दे दी. उसने जो इलेक्शन कैंपेन जो लोग सपोर्ट करते थे उससे उनको सीटें दे दी. अब दिस रेज्ड अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स जहां पे एवरीबॉडी जस्ट वांटेड टू बी इन द इलेक्शन कैंपेन्स टू हैव अ सीट. तो इवेंचुअली एक सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन सिस्टम आ गया था. फिर पॉलिसी टुवर्ड्स द बैंक ऑफ यूएस, ही वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम. यहाँ पे उसका जो स्टांस था बिल्कुल थॉमस जेफरसन की तरह था. बल्कि 1831 में जब कांग्रेस ने बिल पास किया टू एक्सटेंड द सेकंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो टाइम पीरियड है फॉर अनदर 10 years, उसने उसको वीटो कर दिया. ठीक है, और बहुत बुरा लॉस हुआ था इकॉनमी को उस वजह से बिकॉज एवरी द स्टेट बैंक स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट इन द नोट्स ऑफ द मार्केट, अ लॉट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नोट्स इन द मार्केट व्हिच डिस्ट्रॉयड योर इकॉनमी एंड इट रेज्ड द इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर वो बहुत स्ट्रेस करता था. वो बल्कि खुद भी अपने गवर्नर्स को, अपने खुद भी अपने कांग्रेस को बोलता था कि जी आप अब डिपॉजिट करो मनी इन द स्टेट बैंक्स. ठीक है, ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ स्टेट राइट्स. फिर ही वांटेड टू प्रिजर्व द यूनियन. यहाँ पे उसका जो पॉइंट था वो ये था कि ही डिड नॉट वॉन्ट कम्प्लीट स्टेट राइट्स. उसको था कि यूनियन जो है वो कुछ हद तक इट शुड बी प्रिजर्व. ठीक है, वो उसने किस तरह से किया था कि टैरिफ लॉ आपका पास हुआ था 1828 में टू हेल्प द वूल मैन्युफैक्चरर्स. अब जो कॉटन ग्रोइंग साउथ कैरोलिना था इट वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टैरिफ लॉ. अब स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने पास किया नलिफिकेशन ऑर्डिनेंस इन 1830 जिसमें उसने क्लियरली कहा कि भाई हम ये टैक्स नहीं पे करेंगे. और फिर फोर्सेस सेंड की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनली क्या कहते हैं आपके प्रेसिडेंट ने ही वॉज एबल टू सर्वाइव, ही वॉज एबल टू रिस्टोर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन. ठीक है, तो जो पावर ऑफ द यूनियन रिस्टोर हो गई थी. इसका रिलेशन जो था कांग्रेस के साथ एंड्रयू जैक्सन का वॉज वेरी साउंड बिकॉज वो अपनी मर्जी करता था. ही डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो बहुत ज्यादा अपनी मर्जी करने वाला था. अ पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियंस ये थी कि इट वॉज वेरी स्टिफ, इट वॉज प्रोबेबली वर्स देन व्हाट थॉमस जेफरसन एवर इमेजिन्ड बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द इंडियंस. ही एक 1830 में एक इंडियन रिमूवल एक्ट पास किया गया था थ्रू विच ही कुड इवन इविक्ट इंडियंस बाय फोर्स इफ नेसेसरी. ठीक है, तो उन्होंने इसने कॉम्पेंसेशन पे करना शुरू कर दिया इंडियंस को कि जी आप वेस्ट की तरफ जितना सेटल हो उसको यहां से आप क्लियर आउट हो. ठीक हो गया.
अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं मतलब एलैबोरेट करना चाहूंगी कि अगर आपका कोई सवाल आता है दैट कंपेयर्स जेफरसोनियन वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, तो मेजर जब आप डिस्क्राइब करो कि जी जेफरसन फलानी इंडियंस के बारे में ये कहता था, थॉमस एंड्रयू जैक्सन ये कहता था, फिर जेफरसन जी विमेन के बारे में ये कहता था, जैक्सन ये कहता था, तो दोनों के कोई अच्छे ख्याल नहीं थे विमेन के ऊपर, बिकॉज दोनों को ये लगता था कि पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द क्लास ऑफ जो प्रॉपर्टी ओन करती है, एंड विमेन डिड नॉट. फिर जी आप कह लो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच किस तरह से चले, उसके उनका स्टेट राइट्स वर्सेस यूनियन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप बताओ कि एंड्रयू जैक्सन वाज नॉट कम्प्लीटली प्रो स्टेट राइट्स, वो यूनियन को प्रिजर्व करना चाहता था, ठीक है. फिर आप अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर उनकी पॉलिसी देख लो, आप सेंट्रल बैंक के ऊपर पॉलिसी देख लो, ये चीजें आप कंपेयर जब करोगे एंड पे आप कहोगे कि दे हैड सिमिलर आइडियाज पर उनकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, दे हैड डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर आइडियाज दैट दे बेसिकली हैड, ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट, अगर कोई सवाल आ जाता है, कंपेयरिंग द डिफरेंसेस ऑफ द टू, ठीक हो गया. आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर हियर, आपको जो अगला टॉपिक है दैट्स वेस्टवर्ड मूवमेंट, वो इंशाल्लाह हम अगली बार स्टार्ट करेंगे.